दिलवा ले गईले राजा बोतल में भरी के दिलवा साथियों, मैं कजरी गायिका लक्ष्मी यादव आज आप लोगों के बीच में हास्य रस का चौलर कजरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप लोग इस कजरी को देखें, सुने और अपना प्यार दुलार दें। बाबू और माँ इंद्री म्यूजिक के द्वारा सौजन्य से आप लोगों के बीच में ये हास्य रस की कजरी छोड़ रही हूँ। मुझे भरोसा नहीं, विश्वास है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो टेरी में कहना बाबू कैसे कठी ना हो कहा कठी यादो भाई सबानी मारई सुनबाया नावा हो लाला नावा नाही में हारी के रहा समय के बात हो। एक ठी यादव जी रहलन और यादव जी बियाह भइल बा, शादी भइल बा और शादी में बाबूजी शादी तो कैले हन मेहरारूओ लेके आएल, लेकिन वही शादी में एक दैजा भैंस भी पैले रहलन। दैजा में भैंस पौले बाटेन, भैंस घरे ले आएल बाड़ेन बाबूजी और मेहरारू भी विदाई करा के घर लेके आएल बाड़ेन। लेकिन बाबू होत काबा, कुछ दिन बीत गेल, जब कुछ दिन बीत गेल ना ही मेहरारू के लड़का पैदा होत बा और ना ही भैंस बियात बा। लेकिन देखे बाबू यादव जी करत का बाटे। अरे तब तक शंकर जी गए आई और यादव से पूछे यार खाई कहाँ यादव से यादव ये भैया यादव ना हो यादव से पूछे यार थाई यादव कहई सुना मुनिराई में हरी भैंस दुनऊ ना। हे बाबूजी, कुछ दिन बीतल यादव जी जब मेहरारू और भैंस ना बियान लड़का मेहरारू के लड़का पैदा ना भइल तो कैलन का एक दिन खिसियाए के भैंस के लगलन मारे। अब इतना मारलन इतना मरलन बाबू जी कि भगवान भोलेनाथ भी दरवाजे पे आ गइलन और आए के पूछलन कैलन का हो यादव जी काहे के भैंसिया के मारत बाड़ा। तो यादव जी जोन है उ जोन है साधु जी से बतावत बाटेन, कहते इतना दिन बियाह भइल हो गई लेकिन ना तो मेहरारू के लड़का पैदा होत बा और ना हमार भैंस ही बियात बा। लेकिन देखा बाबूजी हो तका बा टेरी में कहना पड़ा। कहाँ एक अठी ए भैया एक अठी कहाँ एक अठी डंडा दी है नथी माई सुन गाया नवा हो लाला नवा नाही अमे हरी के रहा
भोलेनाथ खिसियाए के दुनौ भैंसी के जब मारत रहलन तब भोलेनाथ आके एक कैलन का वरदानी डंडा देलन हलन कि यादव जी भैंस के महाराज जी ने हमें एक ठो डंडा दे थे और वही डंडा चमत्कारी बा, अगर डंडा लेके अपन काम करबा तो हर काम पूरा हो जाए। ए बाबू यादव जी खिसिया कहें चलता हो हरिया, कितना जने आए और गए तू पता नहीं कहाँ से आई है, हमें जोन बा लड़का मेहरारू कहो था भैंसी भैंस के मेरे बच्चा दिवावत हुआ। ए बाबू जी शंकर जी गुस्साए गए, आ जब गुस्साए गए तो करत का बाटन पद में कहना बाबू। अरे तब तक शंकर जी गए गुस्साई और बेटा लो तुम अभी जमाई कहाँ बेटा कहाँ बेटा ये भैया बेटा ना बेटा तुम लो अभी जमाई यादो भैंस घरे ले आई खरीब ना उरा दीहे नचा। ए भैया शंकर जी गुस्सा गइलन और गुस्सा में आके कहलन कहलन कि बेटा तू आज अजमायल ला। बाबूजी कहलन का आज यादव जी जाके बाहरी भैंस बांधल लसेरा रहल और लैया के भैंस घरे बन्हले बाड़न और बांध के बाबूजी चारा अपन खरी बेनाउर चला दिहन भैंस के, भैंस खाए लागल लेकिन तब देखे का होत बा टेरी में कहना बा। भैया खींच के तीन डंडा मारे सुन गायनवा हो लाल नवा नाहिया में हरी केरा जय हो। यादव जी कलेन का वो भोलेनाथ के दियल डंडा वरदानी एक एक ती, एक दो तीन डंडा वो भैंसी के मरले हुआ। अच्छा तीन डंडा भैंसी के मरलन बाबू तो भैल का बा पद में कहना बा। अरे तुरते भैंस गई बियाई और यादव में हारी के लगे जाई कहाँ यादव ये भैया यादव ना हो यादव में हरी के लगे जाई चलू रे देख भैंस बियाई तुरत में हरदी है सगर। ए भैया यादव जी तीन डंडा मरलन हा भैंस के तो भैंस तुरत भी आए गई। अच्छा भैंस भी आ गई बाबूजी तो यादव जी बड़े खुशी में मेहरारू के लगे गैलन हा। आ जब मेहरारू के लगे गैलन कहें कि चलो देख रे भैंस बियान बा। मेहरारू कहे दे जरू के नाती अबे दू दिन हमके भवा आए भैंस न गभिने रही न कुछ रही तो दू दिन बीता ना तब से भैंस बियाए गए
गरियाई के मेहरारू जोन बाटे अपने मर्दे के डांटे से, लेकिन देखा जब मर्द के डांटे बा बाबू तब मर्द गुस्साई के यादव जी गुस्साई के करत का बाटे कहना बा। खींचा के ये बाबू खींचा के ना खींचा के तीना डंडा मारे ते ही छनावा हो लाला नावा नाही मेहरी खेरा बाबूजी जी यादव जी गुस्साई गन और कैलन का वही बरदानी डंडा से एक दो तीन डंडा खींच के मेहरारू के मरल हा। आ जब मेहरारू के मरल बाबूजी जी मेहरारुओं के लड़का हो गई, जब मेहरारुओं के लड़का हो गई बाबूजी तब यादव जी देखा का करत हैं कहना बापद में। अरे तुरंत डंडा दिहन जलाई और ले जाई कुआं में गिराई कहाँ ले जाई कुआं में कहाँ ले जाई ए भैया ले जाई ना ले जाई कुआं में गिराई वरदानी डंडा या सर दिखाई आगे ए भैया। यादव जी के भैंसों भी आए गए, मेहरारू के लड़कियों पैदा हो गई। आज जब लड़कियों पैदा हो गई बाबू जी जान गए कि डंडा मालना भूले चुके हम केहू और के मार दे तो गर्भवती हो जाए, सबका लड़का हो जाए। तो इससे बढ़िया का करें बाबू जी ले जाए के जलाए दिन डंडा, और जलाए के बाद बाबू ले जाए के ओके कुआं रहा, कुआं वही पानी पनिया में रखिया गिराए दे, और जब पानी में वो राखी गिरा दिए बाबू जी तब हो तकाबा कहना बा तेरी में। कहाँ जे जलाए भैया जे जल कहाँ जे जल पियाई गर्भ होई जाई सुना गाया नावा हो लाला नावा नाही मेहरी केरा
यादव जी तो डंडा जला के कुआं में डाल देलन, लेकिन गांव के सब लोग जितना लोग पानी पिए बड़े नु कुआं के सब गर्भ से हो जात बा। लेकिन देखे बाबू एकदम सब परेशान बाटे, गांव के सब लड़का बच्चा सियान जवान बुढ़ापा सब के पेट से हो जात बाटे। सब लोग परेशान हो गए, परेशान हो के बाबू जी ओझा बुलायन, ओझा से परेशान हो गए, कोनो उपाय ना समझ में आई। एकरे बाद डॉक्टर बुलावलन, डॉक्टरों बोलन बाबूजी डॉक्टर के आवे के पहले उन्हों के कहलन डॉक्टर तनी पानी ओनी पीला एकरे बाद इलाज करी हा। ए भैया वही कुआं के पानी निकाल के डॉक्टर के पियोलन, डॉक्टर पीला के बाद उन्हों के जो उन्हों पेट से हो गयलन। अब डॉक्टर के कहे कि मरीज के इलाज करे, वो अपना इलाज करे लगलन। अब गांव वाले एकदम से परेशान हो गए, तो कलन का थाने में FIR कर दिलन। और जब FIR करें बाबूजी दरोगा जी पूरा कमांडर भर के पुलिस दरोगा अलन हाँ दरवाजे पे अलन, तो यादव कहलन कि ए दरोगा जी आप तो जांच पड़ताल करे तो आयल बड़ा, तनी से पानी ओनी पीले दिमाग ठंडा हो जाए तो बढ़िया जाँच उच करे आपके बल्ला। हे बाबू जी वही कुआं के जल निकाल के यादव जी शरबत उरबत नेबुआ उआ गार के बढ़िया बना देलन, और बना के पिया देलन। पियान बाबू जी दरोगा पुलिस जितना रन पिलन पीते माने सब का शर्ट के बटन टूटे लागल। आज सब का शर्ट के बटन टूटे लागल, पेट फूले लागल, बाबूजी सब गर्भ से हो गयलन। कहलन कि अरे ये का भइल, लेकिन देखे एकदम सब परेशान हो गयलन। आज जब सब परेशान हो गयलन बाबूजी तो होते का बाटे और करत का बाटे। तब से पुलिस दरोगा गई आई यादव जलवा दी है न पियाई कहाँ यादव कहाँ यादव ये भैया यादव ना हो यादव जलवा दी है न पियाई ओ ना हूँ कगरो आई तब से शंकर जी गए आई। ए भैया देखा पूरा गांव वाले देख के परेशान बने कि का होत बा, कैसन ही प्रभु के महिमा भइल बा बाबू। लेकिन देखे एकदम परेशान हो के गांव वाले सोचलन कि अब केहू मनुष्य के मन के बात ही ना बा, लागता कि जोन हो भगवानी के प्रकृत देन हई। सब कैलन का बाबूजी अब करत का बड़ेन, भोलेनाथ इतनी बतिया जब चारों तरफ के लीला देखत हुअन तो भोलेनाथ मन ही मन मुस्कात हुअन और धरती पे देखत हो, लेकिन होत का बा बाबूजी तेरी में कहना बा। कहाँ गौआ ये बाबू गौआ कहाँ गौआ मिल सब यारा जल गाई ओही छनावा हो लालनावा नाही अम्यारी केरा बाबूजी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से लोग प्रार्थना करत हुए कि हे भगवान ये दुख संकट से दूर करा, कहत का बाटन कहना बांतरा में। अरे पार्वती कहिन समझाई प्रभुआ बयान अर्थ होई जाई कहाँ
हाय प्रभु ए बाबू प्रभु नाओ प्रभु बयान अर्थ होई जाई भोले कग समझ में आई सब ही के वरदान है। ए भैया पूरा गांव परेशान होके हाथ जोड़ के प्रार्थना करे लगल। तब माता पार्वती देखत रहनी सारी लीला और कहलिन की बौरा हउ भांग खाई के बौरान है तोरे कुछ समझ में आवत बा कि ना ये गांव तो पूरा अनर्थ हो जाए यही तरीके के अगर लीला रचबत। जब माता पार्वती भोलेनाथ के समझावत हैं तो भोलेनाथ के कुछ दिमाग खुलल है समझ में आयल है कि ठीक कहत बड़ी माता पार्वती हे बाबूजी भइल काबा भोलेनाथ दया खैलन सबके ऊपर सबके वरदान हटौलन। जब वरदान हटौलन बाबूजी तब पेट जस कत सबके भइल और सबके जो मुक्ति मिलल संकट से दूरी मिल भइल बाबूजी। ई कहानी के यही समाप्ति भइल बाबू लेकिन आखिरी में कहना बटेरी में का कहीं गाती ए भैया कहीं गाती ए बाबू कहीं गाती लक्ष्मी सागर यादव की दस्तानावा होला लनावा नाही में हरी के रहा लक्ष्मी सागर यादव के दस्ताना वा होला लनावा नाही में हरी के